Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर जो होती है उसे कैसे रिपेयर करते हैं। ये मेरे पास स्पिन मोटर है, वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर, देख सकते हैं एक बार पढ़ के, स्पिन मोटर है। अब इसका क्या कर रहे हैं, इसकी लीडें चेक कर रहे हैं, तो लीडें भी बोल रही हैं ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, मोटर चल नहीं रही है। एक बार मैं लीडें दिखा देता हूँ, लीडें इसकी बोल रही हैं, हम चेक करेंगे। इसका सफ़ेद वाला जो तार है ये कॉमन है, तो ये देख सकते हैं लीड भी बोल रही है, लेकिन ये चल रही है, ये मोटर हमारी जाम हो रही है। तो इसमें जो मैं मान रहा हूँ वो दो दिक्कतें होती हैं, एक तो बुश खराब दिखाई देते हैं और दूसरे इसकी लीड आपस में बोल रही होती है। तो दोस्तों बुश तो इसके मैं देख रहा हूँ, बुश तो ख़राब नहीं है, लेकिन इसके क्या होगा, 99% लीडर आपस में बोली हुई निकलेंगी रनिंग स्टार्टिंग की। तो पहले हम फटाफट खोल लेंगे इसे। खोलने का तरीका हमारा ये होता है, ये हमारे तीन इसमें चार रिपीट टूटे हुए होते हैं, इन्हें हम खोलेंगे और उसके बाद में खोल कर देखेंगे। चलो तो ये इसके रिपीट खोलेंगे हम। इनका तरीका ये होता है, एक पाइप नीचे लगाएंगे हम यूँ और ऊपर से इसमें चोट मारेंगे किसी सुई से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने खोल लिया मोटर हमारी, और ये नई सी दिखाई दे रही है बिल्कुल देखने में तो, लेकिन ये चल नहीं रही, देख सकते हैं बिल्कुल नई दिखाई दे रही है मोटर। अब इसी को हम रिपेयर करेंगे। तो मोटर का पहले हम धागा काट लेंगे, बहुत प्यार के साथ धागा काटना होगा हमें, क्योंकि इसमें तार भी हैं, तार नहीं कटने चाहिए हमारे, सिर्फ धागा ही धागा कटेगा। अगर किसी वजह से तार कट जाता है हमारा तो मोटर नहीं चलेगी। देख सकते हैं हमने सारा धागा उधेड़ लिया है। अब इसमें हमारे पास एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है जो हमारा मोटर गर्म होने पर मोटर का करंट कट कर देता है। ये है थर्मोस्टेट हमारा। अब हम इसमें पहचान करेंगे कौन सा तार हमारा स्टार्टिंग का है और कौन सा रनिंग का है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी तो समस्या क्लियर हो गई एक बार, क्योंकि ये देख सकते हैं जूम करके एक बार, ये इसमें स्टार्टिंग का तार रनिंग के सेट में टच था, ये यहाँ स्टार्टिंग का ये काला हो रहा है, देख भी सकते हैं ये स्टार्टिंग का तार रनिंग के सेट में टच था, जिसकी वजह से हमारी मोटर नहीं चल पा रही थी। तो अब ज़्यादा तो हम उधेड़ नहीं रहे हैं, इसे ही ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में फिट कर देते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी बारीक सा फॉल्ट था, क्योंकि हम ज़्यादा उधेड़ेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देख सकते हैं ये हमारा फॉल्ट था, ये स्टार्टिंग का तार है ये, और हमारा रनिंग के तार में ये लग रहा था, और इस यहाँ से वार्निश भी जल गया है, इसी की वजह से दोस्तों हमारी मोटर नहीं चल पा रही थी। अब हम क्या करेंगे, इस पर कागज़ रखेंगे
और डॉक्टर टेप चिपकाएंगे और फिर वापस से दोबारा से धागा मार देंगे। तो दोस्तों वो फॉल्ट निकालने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम पूरी वायरिंग हम चेक करेंगे एक बार, कहीं से और तो दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं जगह जगह हमारे तार, ये रनिंग के सेटों से स्टार्टिंग के तार भिड़े हुए हैं, इन्हें भी हम हटा लेंगे। अभी ये कंपनी वाइंडी है मोटर, क्या होता है कंपनी में मशीन वाइंड करती है जो ये चीज़ ज़्यादा नहीं देख पाती, इसलिए अब जब हम इसे देख रहे हैं तो पहले ठीक से हम इसे सेट कर लेते हैं तारों को, उसके बाद में ही दोबारा से धागा मारेंगे। जैसे मैंने बताया था यहाँ मैं कागज़ रखूँगा, तो कागज़ बहुत अच्छे से हमें लगाना होगा यहाँ, ताकि दोबारा हमारे तार यहाँ टच ना हो। कागज़ मैंने लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ डॉक्टर टेप लगा दिया मैं, फिर दोबारा से जैसे ही लेड सेट कर दूँगा और फिर इस पर धागा मार दूँगा, फटाफट इस पर धागा मारता हूँ। दोस्तों धागा मैंने मार लिया अब इसमें, और इसे फटाफट फिट कर देते हैं, जैसे मैंने खोली थी वैसे ही हम इसे फिट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने फिट कर लिए और चिक भी नहीं है इसमें, हम इसे चला करके देखते हैं। चेक कर लेते हैं क्योंकि पानी का काम रहता है इसमें,
करंट तो नहीं मार रही, देख सकते हैं नहीं मार रही। हम सीरीज में चला रहे हैं इसे, पहले देख सकते हैं सीरीज में भी घूम रही है। देख सकते हैं मोटर हमारी आवाज़ भी नहीं कर रही और सुन चल रही है दोस्तों। बस इतनी सी इसमें कमी थी हमारी मोटर के अंदर, बहुत छोटी सी एक कमी थी जो हमने सुधार ली है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मोटर चल रही है हमारी। तो दोस्तों यही थी हमारी मोटर की रिपेयर करने की वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों का शेयर कर दें। मिलता है किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.